वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, जहां पे हम बताने वाले हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि केकेआर की टीम को कौन कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे जिन्हें मेगा ऑक्शन में अपनी टीम में बाय कर लेना चाहिए। अब देखिए, इस टीम ने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार को अपनी टीम से रिलीज कर दिया है, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, चाहे वो उनके टीम के कैप्टन यानी कि श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, बहुत सारे प्लेयर्स टीम से अलग हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं इस टीम को उनकी रिक्वायरमेंट को फिल करना पड़ेगा। वहीं पे हम बताने वाले हैं कि टॉप ऑर्डर में ऐसे कौन कौन से प्लेयर रहेंगे जिन्हें ये टीम अपनी टीम में शामिल कर सकती है, क्योंकि इस टीम ने अपनी टीम में से फिल सॉल्ट को रिलीज कर दिया। अब देखिए, फिल सॉल्ट फिर से इस टीम को मिल जाए, इसके चांसेस मुझे फिलहाल बहुत ज्यादा कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि फिल सॉल्ट जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा महंगे जाने वाले हैं, जिसमें से आरसीबी टीम हो गई, सीएसके की टीम हो गई, पंजाब की टीम हो गई, ये टीमें जाहिर सी बात है फिल सॉल्ट को अपनी टीम में शामिल कर लेंगी, और केकेआर टीम के पास एक भी आरटीएम कार्ड नहीं बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये टीम कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे जिन्हें ये अपनी टीम में शामिल कर सकती है, तो नंबर वन पे मुझे नाम याद आता है यहाँ पे फाफ डुप्लेसी का। जी हाँ, फाफ डुप्लेसी एक ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, रन हर सीजन बनाते हैं, अच्छे खासे हेल्दी स्टार्ट के साथ रन बनाते हैं, आपकी अच्छी खासी एवरेज निकल के आती है फाफ डुप्लेसी की, और देखिए बड़े मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस देना जानते हैं। रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पिछले तीन सीजन अगर आप लोगों ने आरसीबी टीम के साथ देखे होंगे तो वहाँ पर उनके रन हमेशा 500 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अच्छे खासे स्टार्ट के साथ मिलते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ याद होनी चाहिए कि देखिए, आप चाहो तो उन्हें अपनी टीम का कैप्टन ही बना सकते हो आने वाले दो सीजन के लिए, वो आपकी टीम की कैप्टनसी भी कर देंगे, उसके बाद आप चाहो तो किसी और प्लेयर को अपनी टीम में से कैप्टन बना सकते हो, लाइक जैसा कि अगर आप नीतीश राणा को बाय कर ले तो नीतीश राणा को कैप्टन बना लो, या फिर रिंकू सिंह उस टाइम तक इंडिया के एक बहुत बड़े प्लेयर बन जाएंगे, यानी कि उनका तीनों फॉर्मेट खेलना कंफर्म हो ही जाएगा मेरे हिसाब से, या फिर दो फॉर्मेट तो वो कंफर्म खेलने ही वाले हैं, ओडीआई और टी20। तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे आप रिंकू सिंह को भी अपनी टीम का कैप्टन बना सकते हो, तो मेरे हिसाब से फाफ डुप्लेसी एक चॉइस हो सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें दूसरी चॉइस की, तो जॉस बटलर के पीछे केकेआर की टीम जरूर ट्राई करने वाली है। जॉस बटलर विकेट कीपर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं, और फिल सॉल्ट भी इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जॉस बटलर के पीछे भी केकेआर की टीम जाएगी। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आउट एंड आउट बिल्कुल जाएगी और उन्हें खरीद ही लेगी, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा पर्स है नहीं इस टीम के पास, 51 करोड़ रुपीज़ है, जिसमें से मेरे हिसाब से 10 से 13 करोड़ तक ट्राई कर सकते हैं, अगर 13 करोड़ में आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, वरना मेरे हिसाब से ये टीम फिर कहीं ना कहीं फाफ डुप्लेसी होगा या फिर किसी और प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर लेगी, क्योंकि जॉस बटलर एक अच्छी खासी चॉइस हो सकते हैं मेरे हिसाब से, जो कैप्टनसी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टीम को अगर कोई इंडियन टॉप ऑर्डर का विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, तो मेरे हिसाब से फिर वहाँ पर आप लोग ईशान किशन के पीछे भी जा सकते हो, क्योंकि ईशान किशन भी रिलीज़ हो गए मुंबई इंडियंस की टीम से, और फिर ईशान किशन अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हैं आईपीएल में, बहुत लंबे समय से आईपीएल खेल रहे हैं, इंडियन क्रिकेट अच्छा खासा उन्होंने खेला हुआ है, चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, ओडीआई हो, टी20 हो, तो मेरे हिसाब से जरूर ट्राई कर सकते हैं केकेआर की टीम। तो मेरे हिसाब से ये तीन ऐसे प्लेयर हैं टॉप ऑर्डर के जिन्हें केकेआर की टीम बाय करती हुई नजर आ सकती है। बाकी आप लोग का इसमें क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना।